हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में देखने वाले हम लोग बाढ़ वाले क्वेश्चन, जो बाढ़ के क्वेश्चन होते हैं, यानी सीधे कॉम में तो डेसिमल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा, डेसिमल या दशमलव इसको तीन तरीकों में बांटा गया है। हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग, और होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, इससे नाम से देखिए चीज़ों से हम समझ पाते हैं। यहाँ पे जैसे टर्मिनेटिंग में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी दशमलव का पैटर्न होगा वो फिक्स रहेगा। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 0.73, तो ये दशमलव के बाद क्या है, नंबर का मतलब फिक्स है। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 73/100 लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 0.9, तो ये भी फिक्स है दशमलव के बाद, या 0.346। दशमलव के बाद जो फिक्स नंबर आएंगे, यानी इसको शांत भी बोलते हैं हिंदी में, यानी क्या कहते हैं उसको, शांत दशमलव, यानी दशमलव के बाद जो भी डिजिट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या रहेगा, फिक्स में रहेगा। ठीक है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग में देख लीजिए, जैसे कहीं 0.343434, यानी क्या करेगा, वहाँ पे जो एक पैटर्न होगा ना, ये पैटर्न फॉलो करता रहेगा, यानी ये पैटर्न आगे और कहीं तक फॉलो करती जा रही है। जैसे 0.44444 चीज़ें हैं, ठीक है, 0.888 वाली चीज़ें, ये चीज़ें क्या कर रही है, पैटर्न फॉलो करती चल रही है वहाँ पे। तो इसको जो लिखने का तरीका होगा, इसी को हम बार के टर्म में लिखेंगे, यानी जो चीज़ें रिपीट कर रही है उसको क्या करना है आपको, उसके ऊपर बार लगा दीजिए, या लाइन यहाँ पर लगा दीजिए। इसका मतलब है जो 3/4 लाइन वाली, वो क्या हो रही है, चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0.4 के ऊपर बार, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, इसी में अगर आपको दे दे 0.3666, तो इसमें क्या लिखेंगे, 0.316 के ऊपर बार, क्योंकि 6 का जो पैटर्न है वो आगे बढ़ता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग में दोस्तों कोई भी पैटर्न एक फॉलो नहीं हो रहा होगा, कोई भी नंबर है, यानी यहाँ पे जैसे आपको मैं बोलूँ √3 का मान निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों, √2 का मान निकालने के लिए, ठीक है, जैसे अगर बल दिया जाए 5 का √3 निकालने के लिए, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, जो मतलब नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिकरिंग में आ जाएगी चीज़ों को। तो ठीक है, इस पर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इन चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। 11/8, अगर आप इसी को डिवाइड करेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, तो देखिए इसको ना दशमलव किस किस नंबर के साथ मिलता है आपको, 5 और 2 के साथ, या 5 के साथ जो एवियन का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, दशमलव मिलेगा। तो अगर यहाँ से अगर आप 11 को अगर आप डिवाइड करते हो, तो देखिए 11 को डिवाइड करेंगे तो कितने, 1 बार में जाएगा, 3 0 लगेगा, 8 3 24, 6 और 56 लगेगा, 8 7 56, फिर बचेगा आपके पास 4 और 0 8 5 40, यानी दशमलव के बाद कितने डिजिट आया यहाँ पे, तो 3 डिजिट आया। अगर मैं यहीं पे बोलूँ इसको क्या लिख सकते हैं, आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, बताइए, तो बोलेंगे जी सर, तो दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, जितने आपके 2 या 5 के पावर रहेंगे ना दशमलव के बाद, उतने ही डिजिट आएंगे। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 9 और 9/16, आपसे अगर मैं पूछूँ आप मेरे को ये बताइए डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, तो सबसे पहले उसका पावर में तोड़ लीजिए कितना होगा, 2 की पावर 4। तो दशमलव के बाद जो दोस्तों 1 2 3 4, यानी दशमलव के बाद कितने डिजिट रहे होंगे, तो 4 डिजिट रहे होंगे। कोई सा भी नंबर ले लीजिए, जैसे देखिए आप मैं बोलूँ बट्टे, अगर 25 लिखा गया, बट्टे क्या लिखा गया, 25, अगर आपसे ये पूछा जाए दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, तो 5 का देखिए क्या होगा, ये 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, तो दोस्तों इसके दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट रहे होंगे, उसमें आप डिवाइड कर लीजिएगा, मोबाइल से चेक कर लीजिएगा डेसिमल के बाद कितने डिजिट रहेंगे, तो 2 डिजिट रहेंगे। जैसे देखिएगा, यानी अगर पूछ कहा जाए आपसे दशमलव के बाद कितने डिजिट होंगे, तो दशमलव के बाद 2 और 5 के पावर में तोड़िएगा। जैसे मैं बोलूँ 9 8 6 3 4 2 1, डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका, 625 दिया मैंने, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ, नहीं तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं आप। देखिए आपको पता है सर ये 25 का स्क्वायर होता है, तो अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगी।
तो यानी दशमलव के बाद इसमें कितने डिजिट रहे होंगे, तो दशमलव के बाद चार डिजिट रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को एक तरीके से, देखिएगा ये प्रैक्टिकल सी देता हूँ, वहाँ पे एक चीज़ लिखवा देता हूँ आप लोगों को नोट्स में। अगर मैं बोलूँ आपको नंबर में अगर दो की पावर ए है तो यहाँ पे क्या होगा, दशमलव के बाद ए डिजिट रहे होंगे। यहीं पे अगर मैं एन बट्टे अगर पाँच की पावर अगर बी है तो दशमलव के बाद कितने बी डिजिट रहे होंगे। अगर सेम आ जाए, देखिए नंबर में अगर दो की पावर ए इंटू अगर दो की पाँच की पावर अगर बी हो जाए, यानी एक में बी आ जाए, तो क्या करेंगे आप? तो दोस्तों पावर में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, यानी पावर में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी दशमलव के बाद उतने डिजिट होंगे। जैसे देखिए अगर मैं बोलूँ एन अपॉन में दो की पावर दस इंटू पाँच की पावर ग्यारह, तो दशमलव के बाद कितने डिजिट रहे होंगे, ग्यारह डिजिट रहे होंगे। दशमलव के बाद कितने डिजिट रहे होंगे, तो ग्यारह डिजिट रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे डेसिमल में, सात दशमलव में। अब नॉन टर्मिनेटिंग वाले में उसमें क्या है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 0.777 अगर चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0. क्या 7 के ऊपर बार लगा सकते हैं क्या, बताइए। और देखिएगा जितने जीरो पे बार लगा, यानी कितने एक पे बार लगा हुआ है, तो सीधे आप इसको लिख सकते हैं 7/9, यानी जितने पे बार लगा है उतने नीचे 9 लिख दीजिए आप। जैसे यहीं पर देख लीजिए, अगर मैं बोलूँ 0.64, ये पैटर्न सेम चल रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.64 के ऊपर बार, यानी दो पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो दो के ऊपर बार लगाएंगे आप। और इसको क्या लिखेंगे, देखिए 64/2, अगर दो के ऊपर में बार है तो दो में नीचे लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्यों आया समझ में, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, देखिएगा रटने वाली बात नहीं आएगी। जैसे अगर देखिए यहाँ पर 0.65454 चीज़ें रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए समझिए, यानी 6 तो एक फिक्स डिजिट है और 5, 4, 5, 4, 5, 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 0.6 और ओनली 5 और 4 के ऊपर बार होगा, तो बोलेंगे जी सर। तो यहाँ से मैं लगाऊंगा, देखिएगा 0.654/2 में दो डिजिट में बार लगा है तो दोनों लिखिए, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है वो जीरो आएगा नीचे, और जिस पे बार नहीं उसमें से ये माइनस कर लीजिए। समझिएगा, दो डिजिट पे बार लगा हुआ तो दो नौ नीचे लिया, एक पे बार नहीं था तो एक जीरो लिया, और माइनस करेंगे तो 14 से 6 जाएगा, 9 बचेगा, और ये 4 और 6। तो अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा होगा यहाँ से तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक चीज़ देखिएगा, जैसे देखिए जैसे 7.568 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपको 8.3 लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 8+ का 0.3 लिख सकता हूँ इसको, तो आप बोलेंगे जी सर, यानी ये प्लस में ही तो रखा गया, इसका मतलब क्या होगा, 7+568, अब देखो कितने एक पे बार लगा हुआ है, तो अच्छा दो पे बार लगा हुआ है तो दो नंबर नीचे होगा, और जिस पे बार नहीं लगा वो जीरो होगा, और देखिए उसी में से 5 माइनस कर दीजिए जो बार पे, जो बार में नहीं था उसको क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, तो कितना होगा दोस्तों, 563/90, यानी 990 होगा, बोलेंगे जी सर। तो इस डिजिट को लिख सकते हैं 7 से 563/990, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो आपको ये क्या होगा, ये आंसर रहा होगा यहाँ से चीज़ों को। तो यहाँ मैं कई सारे क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको जो हम बट्टे में 9 ही क्यों लेते हैं, तो चीज़ों को देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिएगा x इज इक्वल टू 0.777, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको चली जाएगी। वो अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं लिखूँ 7.3 या फिर यहाँ पर देखिए 6.3 को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6+0.3, ठीक है, आप बोलेंगे जी सर। आगे देखिए, अगर मेरे को क्या करना है, यहाँ से इंटीग्रल पार्ट को बाहर निकाल के लेना है, तो यहाँ से देखिएगा, अगर x है यहाँ एक बार रिपीट हो रहा है डिजिट, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एक डिजिट आपको बाहर रखना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ये वाली चीज़ें 10x हो जाएगी, इक्वल टू, अब देखो अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ 0.9 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बोलिए हाँ, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी यहाँ इस पे क्या हो जाए बताओ, 7.777, ये चीज़ आगे चलती रहेगी, बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्तों 10x इक्वल टू, और मैं 7.77 को क्या लिख सकता हूँ, 7+0.7,
सेवन सेवन लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे जी सर। अब एक बात होता दोस्तों, जो 0.77 का जो वैल्यू दे रखा है आपको, x दे रखा है, तो यहाँ पे इनका वैल्यू मैं क्या x रख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे जी सर। जब मैं x को इस साइड लेके आऊँगा तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 9x इज इक्वल टू 7, तो क्या x इज इक्वल टू 7/9 आएगा, बताइए। तो यही तो मैंने बताई थी चीज़ों को, जो बार के लिए हम क्यों 7/9 लेते हैं, तो आपका क्या है यहाँ से प्रूफ भी हो गया चीज़। जैसे देखिए इसी चीज़ को मैंने बोला था आपको लिखने के लिए, 0.7 के ऊपर बार लगा दीजिए और जिस पे बार लगा हुआ वो क्या करेंगे 7/9 लिख देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्या होगी आपकी, आंसर आ रहे होगी, तो समझ गए यहाँ से। तो बार वाले क्वेश्चन का यहाँ से PDF मैं दे दिया हूँ आपको, इमेज बना दिया हूँ, तो जो भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ से। अभी उसी में आगे क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, फटाफट बताइए। अब यहाँ से चीज़ें देखिएगा दोस्तों, इनको एक बात बताइए, 0.11 लिखा हुआ है, यानी 0.11 के ऊपर बार है और 0.22 के ऊपर बार है, तो क्या इसको अगर आप सोल्व करो तो क्या इसको आप लिख सकते हैं क्या 11/99 प्लस 22/99। तो आप बोलेंगे जी सर। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से दोनों का बेस सेम है तो ऐड कर लोगे तो 22 और 11 को जोड़ेंगे कितना होगा 33, 33/99 इंटू 3 लिखा हुआ है ये दोस्तों, एक से तीन बार में जाएगा 33/99, और ये कितना हो गया, यानी इन पूरे को अगर आप सोल्व किए हो तो इन पूरे को सोल्व करने के बाद आपको कितना मिला, एक मिला या नहीं मिला बताइए। तो बिल्कुल, अब इनको दोस्तों जब हटाएंगे, बिल्कुल हटाइए जरा, क्या लिखेंगे 0.037 और यहाँ पे क्या करेंगे आप, यानी 2 के ऊपर बार है तो 2, ठीक है, अच्छा बार दोस्तों 3 के ऊपर था, ठीक है, तो 3 के ऊपर बार लगा दीजिए, यहाँ पे 3 9 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो दोनों चीज़ है यहाँ से निकल जाएगी, ये तो 37/99 हो जाएगा। अब ये इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं, यहाँ से देखिएगा ये जो 999 नंबर है ना, क्या इसको आप, अगर मैं इसको फैक्टर करना सिखाऊँ, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आए, मतलब 37 का इतना टेबल नहीं पता है, तो इसको मतलब फैक्टर करो, तो देखिए क्या इसको आप लिख सकते हैं क्या 111/3, तो आप बोलेंगे जी सर, सॉरी 111/9 लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी सर, तो 111/9 लिख सकते हैं दोस्तों। और ये पता है जो 111 है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये 37/3 होगा, कितना होगा 37 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 111 आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ इस पूरे फैक्टर को लिख सकता हूँ 37/27, इनको अगर आप फैक्टर करना सीख लिए तो बोलेंगे जी सर, अगर आप 37 से 37 को काटेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपको कितना निकाल के देगी बताइए जरा, तो बोलेंगे सर 1/27, यानी 1/27, तो ये पूरी वैल्यू आपको कितना निकाल के देगी, एक यानी इसको बोल सकते हैं 1/1/3, तो ये आपका आंसर कितना निकाल, 3/1 यानी कितना हो जाएगा, ये आंसर कितना देगा आपको निकाल के, 3 देगा। आपके पास है ABC तीन अंकों वाली संख्या, जो ABC .. ये आज तक गई है और दे रखा है कितना 26/37, देन A+B+C आपको क्या करना है यहाँ से निकालना है। तो दोस्तों आप ये बताओ, अभी आपने देखा था जैसे 0.3435 अगर ये चीज़ें चल रही है तो आप क्या लिख सकते हैं 345/999 लिख सकते थे, तो बोलेंगे जी सर। यहीं पर देखिए दोस्तों, जैसे ABC अगर ये तीनों पे बार लगेगा तो आप क्या लिख सकते हैं ABC/999 यानी 3/9 इज इक्वल टू 26/37 होगा, तो आप बोलेंगे जी सर ये हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे चीज़ों को अभी आपने जस्ट इसको काटना देखा था, यानी इसको क्या किसका मल्टीपल होता है 37/27 होता है, बोलेंगे जी 37 से 37 जाएगा यानी कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ से ABC अगर आप लेंगे तो आ जाएगा 27/26, जब 26 जोड़ेंगे आप 12, 6 6 12, 7 2 9 1 10 और 6 1 7, 702 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से चीज़ों को, जब मैं बोलूँ कहीं पर अगर देखिए AB अगर 10/9/91 लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 10, ना कि इनको इसको 13/7 करेंगे आप। जैसे अगर मैं बोला ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट, यानी ये यूनिट और ये टेंस, अगर कहीं पर लिखा गया ABC इज इक्वल टू 1 2 3, तो आप इसको ये नहीं बोलेंगे A×B×C बराबर 1×2×3, ये सीधे वैल्यू आएगी, यानी A का कितना 1 रहेगा, B 2, यानी ये कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे कितना निकल गया दोस्तों, यानी A, B और C बराबर कितना 702, तो यानी तीनों का सम बोला गया, तो A+B+C यानी कितना 7+0+2 यानी कितना रहा होगा, ये आपका आंसर 9 रहा होगा,
ठीक है, तो यानी ए बी सी का सम कितना रहा होगा दोस्तों, 9 रहा होगा। देखिए दोस्तों आपके पास ये दिया गया जी, ए इफ़ ए इज इक्वल टू 0. ABC और ये पैटर्न फॉलो होती जा रही है, तो यहाँ पे इसको आप क्या लिखेंगे। अब ये एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जो बताइए किस संख्या से उसको मल्टीप्लाई करें, किस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त हो जाए उसको। तो देखिए अगर इसको आप बोलेंगे तो बोलेंगे जीरो, इसको लिख सकते हैं क्या ए 0. बी और सी, इन तीनों को ऊपर बार, और इसको भी लिख सकते हैं आप ए बी सी अपॉन में कितना 999। तो अगर आपसे कहा जाए पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त हो मतलब क्या, कोई डेसिमल प्राप्त ना हो पॉजिटिव इंटीजर में, तो दोस्तों इस पे जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे करेंगे, या तो अगर कोई भी ए बी सी की वैल्यू रही होगी और 999 से ही काटेंगे उसको तो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा, या मैं कहूँ तो 999 का कोई मल्टीपल रहा होगा। सीधे आप कह सकते 999 का कोई भी मल्टीपल्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ऑप्शन क्या है जिस प्रकार से ऑप्शन में आपको क्वेश्चन रहेंगे उस अनुसार से कर लीजिएगा, यानी जो उसको डिनोमिनेटर यानी हर में संख्या रखी गई होगी उसी का मल्टीपल देगा या वही संख्या देगा उसी से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, एन इज इक्वल टू 369 369, यानी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। एम इज इक्वल टू 0531 531, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको बताना 1/n + 1/m की वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों अगर एक बात बताओ दोस्तों, अगर इसी को अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एन और एम का एलसीएम तो क्या एन एम हो जाएगा, बोलिए हाँ, एन को बटे में क्या होगा एम हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, यानी उसी वैल्यू का प्लस करके और नीचे क्या करना है इनटू करके रखना है। देखिए समझ ऑप्शन में दिया गया है वहाँ पे, तो दोस्तों ये जो बार बार रिपीट वैल्यू हो रही है क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 369 अपॉन में 3 × 9 बताइए। तो दोस्तों इसी को क्या लिखेंगे, और 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 9 × 36 9 और ये क्या होगा 3 × 1, ये तो आपको एन की वैल्यू रही ना, जब 1/n की वैल्यू को होगा तो क्या हो जाएगा 111/41 हो जाएगा, बताइए जरा, यानी 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 41 अपॉन में 40, ये तो n की वैल्यू थी तो 111/41 हो जाएगा, तो बोलेंगे जी सर। अब यहीं पे देखिए दोस्तों जब m की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से क्या करोगे 5 × 3 यानी क्या होगा 0.531 के ऊपर बार हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 531 अपॉन में क्या हो जाएगा 999। अगर इसको 9 से काटे देखिए 5 × 3 8 और 1 9 तो बिल्कुल 9 से जा रहा है, नीचे कितना हो जाएगा बताओ, नीचे हो जाएगा फिर से 111 और 9 से काटेंगे कितना 9 × 36 9 × 5 = 45 9 × 5 = 45 और 9 × 9 = 81। तो 1/ ये तो किसका m की वैल्यू आई, तो 1/1 m की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा ये बता दीजिए मेरे को, 111/41 हो जाएगा 59, तो बोलेंगे जी सर। अब एक बात बताओ दोस्तों अब अपने को क्या चाहिए, सीधे देखो 111/41 प्लस का 111/49 59, ठीक है, यानी ये n और m इन दोनों का इनटू करना पड़ेगा, ये तो दिया गया आपको, और इन दोनों को जोड़ के निकालना पड़ेगा। देखो अगर आप मैं यहाँ से सीधे अगर इनटू करेंगे इन दोनों को यानी 41 × 59 और प्लस में क्या आ जाएगा बताओ, अगर इसको गुना करके देखो बेस में यानी 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। यहाँ पे देख लो दोस्तों एक भी ऐसा हर में नहीं है जिसमें 9, बस ऑप्शन ए में है इसका सही आंसर, ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों का मल्टीपल ही तो रखा जाएगा एलसीएम में और मल्टीपल ही दे रखा है। अगर आप प्रूफ करना चाहते मतलब सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो देखिए अगर 41 से डिवाइड करेंगे 41 कटेगा यानी कितना होगा 111 × 59 होगा, तो बोलेंगे जी सर 59 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 111 × 41 होगा। अब देखो दोनों मल्टीपल है तो यहाँ पे 111 कॉमन ले लो तो क्या होगा 59 प्लस का 41 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों इसका मल्टीपल, मल्टीपल कर ले देखिए जरा, अगर 41 और 59 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 9 का कितना 9 9 × 36 और 5 कितना होगा 41 1 × 5 = 20 और 4 = 24 24 19 हो गया, देखिए 24 19 बिल्कुल ऑप्शन ए में है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1 1 111 × क्या 100 हो जाएगा क्या, जब 100 हो जाएगा दोस्तों तो इसको क्या लिखेंगे आप बट्टे 24 19 और यही आपका क्या रहा होगा आंसर रहा होगा 24 19। सब मैंने बताया था अगर थोड़ा भी करके आप क्या कर सकते थे उसको निकाल सकते थे एलसीएम लेके। ठीक देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8.74 के ऊपर बार है प्लस 6.47 के ऊपर बार है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है। तो देखिए क्या दोस्तों इसको आप ऐसे लिख सकते क्या 8 + 7 4 / 9 0, बोलेंगे जी सर क्योंकि जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं उतने 0 और इसी में से आपको 7 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जिस पे बार नहीं उसको माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये बताइए 14 से 7 जाएगा 7 और ये 6
67/90 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जी सर आगे देख लीजिए, क्या प्लस में 6 रख लीजिए, प्लस का 47, एक पे 12 तो 1 9, जिस पे 12 नहीं वो 0, माइनस का 4, यानी क्या 43/90 हो जाएगा। और जो दोस्तों प्लस में था उसको आगे रख लीजिए, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ठीक है दोस्तों आगे देखिए, बेस सेम है तो ऊपर प्लस करेंगे, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 60/40, 100 और कितना होगा 110/90 आएगा, बोलिए हाँ। तो 10 से 10 घटा, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लीजिए, आप फिर पूर्णांक में मिक्स फ्रैक्शन में निकालिए, 9 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1+, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1/2/9 हो सकता है ना, 9 और 2 11, तब देखो यहाँ पर जो प्लस वाली वैल्यू होती है ना, यहाँ पर प्लस ला के कर दीजिए, यानी 15/2/9 आपका क्या रहा होगा दोस्तों, आंसर रहा होगा, यानी 15/2/9 इसका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों, देखिए 8.54646 के ऊपर बार है और 5.927, ये दोस्तों 5 है, 5.927 यानी 3 के ऊपर बार है। देखिए जब सिंगल के ऊपर बार, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे जैसे 0.9 के ऊपर बार है, तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, कि 9/9 यानी कितना 1 हो जाएगा, बोलेंगे जी सर। जैसे बोलूँ मैं 1.9 के ऊपर बार है, तो उसको 2 लिख सकते, क्यों, 1.9/9 कितना 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार से अगर मैं 2+9 के ऊपर बार दो कितना 3 हो जाएगा, 3.9 के ऊपर बार दो कितना 4 हो जाएगा, यानी चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, यहाँ 3 के ऊपर बार है, जब बार सेम में होता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस कर लेते हैं। जब बार जैसे दिखा जाए यहाँ पे 44 के ऊपर बार या 0.44 के ऊपर बार प्लस 0.66 के ऊपर बार रखा गया, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप 44/99 प्लस 55/99 यही तो करते हैं, तो यानी बेस सेम है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं कितना होता है 99/99 यानी आंसर कितना आता है 1। जब बेस सेम हो तो सीधा एलसीएम लेके जुड़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 के ऊपर 12 है, यहाँ 3 के ऊपर, तो इसमें क्या करेंगे आप देखिए चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 9, यहाँ पे 3 बार 9 है, और इनका एलसीएम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ से एक चीज़ समझिएगा दोस्तों। देखिए अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिए मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है, डेसिमल के बाद की बातें कर रहा हूँ, मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है, तो आपको दिख रहा है सीधे 1, यानी 5 के ऊपर बार नहीं है, जितने पे बार नहीं है उस पे क्या करना है, जितने पे बार नहीं है इसमें 2 के ऊपर बार है और इसमें 3 के ऊपर बार है, तो इन तीनों के एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे दोस्तों 6 बार बॉक्स बना लीजिए बिल्कुल, और आगे जो मन करे, यानी मैक्सिमम 3 के ऊपर बार है तो 3 बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम जितने पे बार नहीं था, 5 पे नहीं था तो 1 बनाया हमने, 1 डिजिट पे बार नहीं था, यहाँ पे 2 पे बार था 2 लिया, 3 पे बार था 3 लिया, इनका एलसीएम लिए तो 6 आया, तो मैंने 6 लॉक बॉक्स बना लिए, और आगे मैक्सिमम 3 पे बार था तो हमने 3 बॉक्स बना लिए। अब जरा लिखते हैं, देखिए क्या इसको लिखना कैसे, 8.546 और रिपीट करते चलिए आप 4646 और 4 आगे, इससे हम देखे थे आप समझिए, जैसे देखिए 5.927 क्योंकि ये चीज़ें जो बार में रिपीट हो रही है, जितनी चीज़ें उतनी ही चीज़ लिखना था उसमें। अब देखो इधर से जोड़ते हुए आ जाओ कितना होगा बताओ, 9 और 4 13, 1+7 6 13, 1+14, 1+4 2 6 1 7, 9 और 6 15, 1+7 4 11 और 1 12, 6 2 8 और 1 9, 9 4 13, 7 6 13 1 14, 6 4 2 6 और 1 7, 9 5 14 8 5 13 1 14, यहाँ पॉइंट लगेगा। अब देखो दोस्तों ये घर में जो भी चीज़ है सब पे बार लग जाएगी, यानी मैं बोलूँ इसका जो आंसर होगा 14.47439 25, यानी ये सब के ऊपर यहाँ से क्या होगा दोस्तों बार लग जाएगा, आगे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है बिल्कुल, 14.47439 25 के ऊपर क्या हो जाएगा बार लग जाएगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या रहा होगा तो आंसर रहा होगा। या अब जब बार कॉमन नंबर पर नहीं हो, यानी 2 3 यानी अलग अलग नंबरों पर हो, तो इस चीज़ों का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे एक बार और देख लीजिए, मैक्सिमम कितने पे बार नहीं था दशमलव के पर, मतलब देखिए तो 5 पर नहीं है क्योंकि एक ही डिजिट पर नहीं है ना, तो 1 डिजिट लिया हमने, इसमें 2 डिजिट पर बार है तो 2 लिया, इसमें 3 डिजिट पर बार है तो 3 लिया, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता दोस्तों 6, तो मैंने 6 कॉलम बनाया यहाँ पे, आगे देख लीजिएगा 6 बार x मान लीजिए जैसे कीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे मैक्सिमम कितने पे बार है, तो इसमें 2 पे बार है और इसमें 3 पे बार है, मैक्सिमम वाली वैल्यू रखनी है आपको, फिर उसके बाद जिस प्रकार से हमने डिजिट को सजा दिया और x से जोड़ते हुए आ जाएगा, इस वाले बॉक्स को क्या कीजिएगा आप बार लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए
8.74 के ऊपर बार, 5.349 के ऊपर बार। तो देखिए यहाँ सब तीन टेबल बनाना है आपको, देखिए जो चीज़ अभी सीख रहे हैं हम लोग। तो मैक्सिमम कितने पे बार नहीं, इसमें एक पे बार नहीं, इस पर दो पे बार नहीं है, तो यहाँ पर दो डिजिट रखना है आपको। इसमें एक के ऊपर बार है, उसमें भी एक के ऊपर, दोनों के एलसीएम लेंगे तो एक आएगा, और मैक्सिमम कितने पे बार है तो एक पे बार है। ठीक है, आइए अब इसको लिखिए 8.744 और ये 4 हो जाएगा तो बोलेंगे जी सर 5.349 और 9, सबको जोड़ लीजिए जरा। देखिए 9 और 4 13, 1 बचा 9 4 13 1 14, 1 बचा 4 4 8 1 9 और 7 3 10 0 1 8 5 13 और 1 14, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 14.09, और ये जो दोस्तों बीच वाला 4 बचा हुआ है उसी के ऊपर केवल बार होगा, यानी 14.09 4 के ऊपर क्या रहा होगा दोस्तों, बार रहा होगा, बार रखा गया। यहाँ पे 3.74 दो डिजिट के ऊपर बार रखा गया, 5.8576 के ऊपर बार रखा गया। ठीक है, समझिए जरा, देखिए अब सब में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो एक बात हो तो इसमें कितने पे मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है, तो तीन डिजिट पे, तो यहाँ पे दोस्तों 3 बार एक्स लिख लीजिए। और इसमें देखिए इसमें 2 के ऊपर बार है, इसमें 2 के ऊपर बार है, और इसमें 1 के ऊपर है, तो जब सब एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, बोलेंगे जी सर मैक्सिमम कितने पे बार है तो 2 पे बार है, चाहे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2 के ऊपर बार। अब लिखिए इसको जैसे लिखेंगे तो 2.856, अब देखो 5 और 6 केवल रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि 5 और 6 पे बार है, इसको लिख सकते हैं 3.74747, इसको देख लीजिए दोस्तों 5.8576666, जिस पे बार है उसी डिजिट को क्या करना है दोस्तों, बार बार रिपीट करते हुए चलना है। देखिए तो कितना 6 3 18 और 1 19, एक बचा और एक कितना हो जाएगा, एक इधर देंगे तो 5 3 15 और 1 16, एक बचा हुआ है तो एक हो जाएगा कितना 6 3 18 19 और 1 20, दो बचा, ठीक है, तो 6 5 11 6 5 11 4 15 और 16 17, एक बचा हुआ है, और यहाँ से कितना लेंगे तो 7 3 21, दो बचा हुआ है तो 5 3 15 और 16, एक बचा हुआ है, 8 3 24, दो बचा हुआ है, 5 3 8 2 10 और 12, यानी जो इसका आंसर होगा दोस्तों 12.46170 के ऊपर बार लगे, क्योंकि ये दोनों डिजिट के ऊपर क्या लगेगा, उसमें बार लग जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोगों के पास देखिएगा 24, ये माइनस का साइन है, ठीक है दोस्तों, यानी 22.4 के ऊपर बार प्लस 11.56 और 7, यानी 6 7 के ऊपर बार दिया गया है, माइनस रखा गया 33.5 और 9 के ऊपर बार, यानी एक ही क्वेश्चन में आपको माइनस भी करवाया जा रहा है। तो देखिएगा क्या इसको आप देख लीजिए, टेबल बना लीजिए आप, तो इसमें कितने मैक्सिमम बार जिस पे नहीं है, यानी एक पे बार नहीं है, एक पे बार नहीं है, तो एक आएगा यहाँ पे, देखिए इसमें एक के ऊपर बार है, इसमें दो के ऊपर बार है, इसमें एक, तो कितना है, एक और दो के एलसीएम दो, और मैक्सिमम दो के ऊपर बार है तो दो लिख दीजिए यहाँ पे। इसको लिख सकते क्या 22.4444 और 4 आएगा, इसको कितना 11.567 6 और 7, बोलेंगे जी सर, ये देखिए 33.5999 और 9, इसका मतलब क्या करना है दोस्तों, देखिए इन दोनों को तो जोड़ना है और इसको माइनस करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस करना है, तो इसमें जोड़ के माइनस सीधे देखिए 7 और 4 11 11 से 9 जाएगा तो कितना 2, एक साथ लिख सकते हो उसको, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करना है मेरे को, तो क्या करना है इन दोनों को जोड़ लेता हूँ मैं, जैसे 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना 11 और 9 जाएगा तो 2, देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 और 10 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, देखिए 7 और 4 11 11 से 9 जाएगा कितना 2, 6 और 4 10 10 से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ पर देखिए 5 और 4 9 और 9 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 और 1 3 3 से 3 जाएगा 0 और 2 और 1 3 3 से 3 जाएगा 0, यानी इसका जो आंसर रहा होगा दोस्तों 0.412 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, ये मेंस के क्वेश्चन थे 0.412 के ऊपर बार, तो ये आपका सही आंसर है। तो आज ये बार वाले क्वेश्चन थे दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।